स्पाइडरमैन 2004 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन 1 से कंटिन्यू होती है। अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन 1 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप उसे देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में पीटर पार्कर पिज्जा शॉप में दिखाया जाता है जहां वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। डिलीवरी टाइम पर न देने की वजह से शॉप का ओनर उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद पार्कर टीवी स्टेशन में दिखाया जाता है जहां वो स्पाइडरमैन की पिक्चर सेल करता है। फिर पार्कर अपने कॉलेज जाता है जहां पर वो डॉक्टर कोनर से टकरा जाता है और डॉक्टर के पूछने पर वो बताता है कि मैं आपकी क्लास में जा रहा हूँ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, तुम रोज ही कॉलेज लेट आते हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आ रहे और तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो पार्कर बोलता है कि मैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पर रिसर्च कर रहा हूँ। देन पार्कर अपनी आंट के घर जाता है जहाँ पर एमजे और उसका फ्रेंड हैरी भी मौजूद होता है ताकि वो पार्कर को बर्थडे विश कर सके। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद पार्कर एमजे से बोलता है कि मैं कल तुम्हारा प्ले देखने के लिए आऊंगा। इसके बाद वो अपने घर चले जाता है। देन सुबह को हैरी पार्कर को डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है और खुद वहां से चला जाता है। फिर पार्कर डॉक्टर ऑक्टेवियस से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है और उनमें काफी बातें होती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर वो एमजे के प्ले को अटेंड करने के लिए तैयार होता है और वो उधर जा ही रहा होता है कि पुलिस दो आदमियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो पार्कर भी अपने स्पाइडरमैन के सूट को पहनकर उनकी हेल्प करने लगता है और वो अपने स्पाइडर वेब से उन्हें रोड लाइट पर हैंग कर देता है और एमजे के प्ले को देखने के लिए पहुंचता है, पर लेट हो जाने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। देन सीन चेंज होता है और पार्कर एमजे को कॉल करके सॉरी बोलता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस के प्रोजेक्ट का डेमो देखने के लिए जाता है जहां पर उन्होंने 4 पावरफुल रोबोटिक टेंटेकल आर्म्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई होती हैं। फिर वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं पर पावर स्पाइक की वजह से फ्यूजन रिएक्शन डिसेबल हो जाता है। तभी स्पाइडरमैन मशीन को बंद करने लगता है पर डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी आर्म से उसे दूर फेंक देती है और इस वजह से उनकी वो चिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो आर्म्स अब डॉक्टर ऑक्टेवियस कंट्रोल करने लगते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन उस मशीन को बंद कर देता है। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स उनकी फेक आर्म्स को काटने लगते हैं, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी आर्म्स से सभी डॉक्टर्स को मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेली बगल न्यूज ऑफिस में जहां पर जेमसन पार्कर को बुलवाता है और बोलता है कि मेरा कैमरामैन इंजर्ड है और कल रात की पार्टी में पिक्चर्स तुम कैप्चर करोगे। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा कंटिन्यू करने का सोचते हैं मगर उनके पास एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बजट नहीं होता, इसलिए वो बैंक रोबरी का सोचते हैं। इसके बाद वो बैंक में पहुंचता है जहां पर पार्कर अपनी आंटमे के साथ पहले से मौजूद होता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पैसे लेकर भागने वाला होता है कि वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है जो उसे रोकने लगता है, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट मे को ले जाता है और उसे बिल्डिंग से फेंक देता है जहाँ पर स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है मगर दोबारा से ऑक्टेवियस उन्हें पकड़ लेता है और फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और स्पाइडरमैन आंट मे को वहाँ से ले जाता है और पुलिस ऑक्टेवियस पर शूट करने लगती है पर वो वहाँ से भाग जाता है। देन पार्कर जेमसन की पार्टी में जाता है, वहाँ पर पार्कर को पता चलता है कि एमजे और जॉन की एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर पार्कर स्पाइडरमैन बनकर घर जा रहा होता है कि उसकी पावर्स खत्म हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पार्कर दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मैंने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में मैं स्पाइडरमैन था, लेकिन मैं वो वाला स्पाइडरमैन था जिसकी पावर्स खत्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम स्पाइडरमैन ही क्यों बनते हो, तुम नॉर्मल लाइफ भी तो स्पेंड कर सकते हो। देन वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगता है, यानी वो अपनी स्टडीज पर फोकस करता है ताकि वो अपने ग्रेड्स को बेटर कर सके। इसके बाद सीन चेंज होता है डेली बगल न्यूज़पेपर ऑफिस में जहां पर एक आदमी स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम जेमसन को देता है और जेमसन ये देखकर काफी खुश होता है कि मैंने आखिरकार स्पाइडरमैन को भगा ही दिया और वो न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवाता है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। फिर पार्कर अपनी आंट को बताता है कि अंकल बेन की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो आंट में बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो लाइब्रेरी थे और अपनी स्टडी कर रहे थे। तो पार्कर बोलता है कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह गया था जहां मुझे लगा था कि मैं पैसे जीतकर एक कार खरीदूंगा और ऐसा ही हुआ, मैं पैसे जीत तो गया लेकिन मुझे मैनेजर ने पैसे नहीं दिए। तब वहां पर एक चोर आया और पैसे लेकर मेरी तरफ आ रहा था, मैं चाहता तो उसे रोक सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे उस मैनेजर से बदला लेना था और फिर उसे कार चाहिए थी तो उसने अंकल बेन से मांगी, अंकल के मना कर देने की वजह से उसने अंकल को मार दिया। देन सीन चेंज होता है हैरी के घर जहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे ट्रिटियम लेने के लिए आते हैं पर हैरी मना कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्टेवियस उसे मानना ही लगता है कि हैरी बोलता है कि रुको हम डील करते हैं। वो बोलता है कि तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें ट्रिटियम दे दूंगा, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस पूछते हैं कि वो कहां मिलेगा, तो हैरी बोलते हैं कि तुम पार्कर से पूछो क्योंकि वो न्यूज़पेपर के लिए स्पाइडरमैन की पिक्चर सेल करता है। तभी पार्कर न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं कि न्यूयॉर्क में क्राइम 75% बढ़ गए हैं और तभी वो एक बिल्डिंग में आग लगी देखता है जहां सेकंड फ्लोर पर वो एक बच्ची को बचाने के लिए जाता है, उसने अपना स्पाइडरमैन का सूट फेंक दिया होता है इसलिए वो पार्कर बनके ही उसे बचाता है। इसके बाद पार्कर अपनी आंट के घर जाता है जहां पर वो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी तक बैंक का लोन वापस नहीं किया होता और वो पार्कर को बताती है कि हेनरी स्पाइडरमैन बनना चाहता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानता है और वो बोलती है कि मेरा मानना है कि हम सब में एक हीरो होता है जो हमें ईमानदारी सिखाता है, हमें हिम्मत देता है और हमें नेक
केक बनाता है। यह सुनकर पार्कर काफी इंस्पायर होता है और वो हमें एक बिल्डिंग पर दिखाया जाता है जहाँ से वो जंप करता है, पर उसकी पावर्स अभी भी वापस नहीं आई होती और वो गिर जाता है। इसके बाद पार्कर एक कैफे में मैरी जेन से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पार्कर को अपनी स्पाइडर सेंस की वजह से पता चल जाता है कि एक कार उनकी तरफ गिरने वाली है। तभी वो मैरी जेन को बचा लेता है, पर उसी वक्त वहाँ पर ऑक्टेवियस आ जाता है और वो पार्कर से बोलते हैं कि स्पाइडरमैन को ढूंढ कर लाओ और उसे बोलो कि मुझे वेस्ट साइड टावर पर 3 बजे मिले। पार्कर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, तो वो मैरी जेन को अपने साथ लेकर चला जाता है। मैरी जेन की वजह से पार्कर को उसकी पावर्स दोबारा मिल जाती है और वो ऑक्टेवियस के पीछे जाने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस से अपना सूट ले लेता है। फिर स्पाइडरमैन और ऑक्टेवियस में काफी फाइट होती है, पर फाइट के दौरान ये दोनों न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन पर गिर जाते हैं, पर ये दोनों उस पर भी फाइट कर रहे होते हैं। ऑक्टेवियस ट्रेन की ब्रेक्स फेल कर देता है, पर स्पाइडरमैन अपने वेब की मदद से काफी मुश्किल से उस ट्रेन को रोक ही लेता है। पर तभी ऑक्टेवियस वहां आ जाता है और स्पाइडरमैन को लेकर हैरी के घर पर छोड़ देता है और ट्रीटियम लेकर वहां से चला जाता है। हैरी स्पाइडरमैन का मास्क उतारता है और पीटर पार्कर को देखकर काफी हैरान होता है, तो पार्कर हैरी को बोलता है कि तुम्हें मुझे यहां से जाने देना होगा क्योंकि मैरी जेन खतरे में है। इसके बाद ऑक्टेवियस दिखाया जाता है जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर मशीन स्टार्ट कर ली होती है। फिर स्पाइडरमैन वहां आता है और उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन उस मशीन को बंद करता है पर वो बंद नहीं होती। वो देखता है कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी खतरे में है, तो वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपनी आइडेंटिटी रिवील करवाता है और वो बोलता है कि इसे रोकें। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि आपने एक दफा बोला था कि अकलमंदी एक तोहफा है और इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी आर्म्स पर अपना कंट्रोल ले लेते हैं और स्पाइडरमैन से बोलते हैं कि ये बंद नहीं हो सकती, पर अगर हम इसे पानी में डाल दें तो काम हो जाएगा। स्पाइडरमैन ये करने के लिए जाने ही लगता है कि डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये काम मैं करूंगा। फिर डॉक्टर अपनी लाइफ न्यूयॉर्क के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं और मैरी जेन को भी पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी को अपने डैड की रिफ्लेक्शन मिरर में दिखती है, जो हैरी को बोलते हैं कि अब तुम पीटर पार्कर से मेरा बदला लो। तो हैरी गुस्से में आकर वो मिरर तोड़ देता है और अपने डैड के सीक्रेट रूम में पहुंचता है, जहां पर उसे ग्रीन गोब्लिन का मास्क, बॉम्ब और ग्लाइडर मिलता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट, देन गिव्स इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज़ वी हैव स्टार्टेड इट्स सीरीज। सो गुड बाय अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो। Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I make it to the top, yeah I commit, and no I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend, everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working.